भारतीय सिनेमा जगत में यूं तो बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं, लेकिन एक अदाकारा ऐसी भी हैं जिनकी जितनी भी तारीफ कर लो उतना ही कम लगता है। हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वह बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हैं। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ था। फिलहाल इनकी उम्र 52 वर्ष हो चुकी है, लेकिन आज भी 25 की ही लगती। यह एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें बॉलीवुड की फिल्मों में उनके बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है। माधुरी दीक्षित ने अपने करियर की शुरुआत 1984 के फिल्म अबोध में एक युवा दुल्हन की भूमिका के साथ की थी। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में अपना जलवा बिखेरा है। बता दें कि माधुरी दीक्षित को सफलता 1988 में एन चंद्रा की थ्रिलर फिल्म तेजाब से मिली, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। 1990 की रोमानी नाटकीय फिल्म दिल में एक अमीर बिगड़ैल लड़की की भूमिका के लिए पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार पाया था। माधुरी दीक्षित की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 1991 में साजन थी। 1992 में बेटा में अपनी चालाक सास के खिलाफ विद्रोह करने वाली महिला का किरदार निभाने के लिए उन्हें दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। वहीं अगर इनके अफेयर्स की बात की जाए तो माधुरी दीक्षित का नाम अनिल कपूर से लेकर संजय दत्त तक के साथ जुड़ा। अनिल के साथ रामलखन के दौरान तो संजय के साथ साजन फिल्म के समय माधुरी की नजदीकियां बढ़ी। 90 के दशक में एक्टर संजय दत्त और माधुरी के प्यार के किस्से काफी चर्चा में थे, लेकिन फिर 1993 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट केस में संजय दत्त का नाम आया था। इसके बाद माधुरी दीक्षित ने संजय से दूरी बना ली। आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित के दीवाने सिर्फ इंडिया ही नहीं पाकिस्तान में भी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जब बॉर्डर पर जंग छिड़ी थी तो पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम कश्मीर छोड़ देंगे अगर तुम हमें माधुरी दीक्षित दे दो। वहीं आज माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।